Assalamualaikum, welcome to our drama cup and Rabia, Shazia and Farah ke saath aaj do drama karenge hum Sabath and log kya kahenge and we're going to start with log kya kahenge. Kya keh rahe log aaj kal yaar? लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ हुआ है उसके अंदर. मतलब कि ट्रांजिशन दिखाई जा रही है कि किस तरीके से शी स्ट्रगलिंग और अपने बच्चों की खातिर किस तरीके से वो यू नो शी इज़ गोइंग टू मेक इट हैपन. और वो सास को खाला ने बहन ने थोड़ी सी चाबी भी दी थी. अच्छी अच्छा बहुत क्लास ली उसकी कि तुम क्या कर रही हो. आई थॉट शी विल हैप्पी. हां, एंड आई थॉट कि शायद घर आके वो थोड़ा सा कुछ करेगी, मगर जो उसने वो किया ना, वो जो बालकनी में खड़ी होके बता दिया ना, मतलब कि I was thinking हम काफ़ी ओके ये बहुत एग्जैजरेटेड कैरेक्टर है, बट जो उसने वो किया उसके बाद मैं सोची थी हमारे खानदान में, हमारी फैमिलीज में अगर हम आस पास देखें तो हमें बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं इसी कैटेगरी के, यू नो, इस एज ग्रुप के, जो कि बेख्याली में वो बातें कह जाते हैं. बेख्याली या उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन ही होती है, उनको आदत होती है बातें करने की, इधर की उधर, उधर से इधर लगाने की, और बस कुछ ना कुछ किसी से बात करने की, और उसमें वो बहुत सी बातें कह जाते हैं कभी कभी सिंपथी लेने के लिए दूसरे बंदे की, और उनको रियलाइज़ नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट पूरे ख़ानदान पे क्या होगा, जो कि मुझे लगा कि इस वक्त उन मदर ने, सकीना सम्मो ने यही किया. तो मदर ने बेसिकली अपनी सिंपल, बट मुझे ये था कि देखो या तो वो बहू की बात गलत करती, मगर उसने बेटे की, मतलब कि बिकॉज सुसाइड इज अ थिंग, इट्स अ वर्ड. वो तो उसको उसकी बहू ने आके रोक लिया ना, वो तो बहू पे इल्जाम डालने वाली थी कि ये तो इसकी वजह से उसने किया. शी पुश्ड हिम टू दैट. बट खैर, आई थिंक उस टॉक्सिक कैरेक्टर के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई लव्ड वाज द चिल्ड्रन अगेन, जो मैं बार बार इस ड्रामे के बारे में कह रही हूँ कि आई लव इट कि वो बच्चों की साइड दिखा रही हूँ, और जो स्कूल का उन्होंने सीन दिखाया, आई वॉज सो हैप्पी टू सी इट. उसमें थोड़ा सा मुझे इशू है, बट आई वॉज हैप्पी कि उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ दिखाई, एक डिफरेंट एंगल दिया, एक डिफरेंट साइकोलॉजी की साइड दिखाई, बच्चों की भी और उस बच्ची की भी. एंड आई हैव टू से शाजिया, वो बच्ची उसने क्या एक्टिंग की है, जो वो बच्ची को लिटा के वो जो मार रही है, आई वाज लाइक वाओ, वो धड़ाधड़ मार रही है उसको चपेट पे चपेट. एंड यू नो लाइक बच्चे ऐसे ही गुस्से में रिएक्ट करते हैं, यू नो. उन्होंने हर कैरेक्टर का रिएक्शन हाउ दे आर डीलिंग विद द ग्रीफ दिखाया है, एंड दे हैव नॉट मिस्ड आउट एनीवन, एंड दैट्स रियली ग्रेट. जिस तरह मीराब डील कर रही है, बच्चे अलग अलग, बेटा कैसे डील कर रहा है, बेटी कैसे डील कर रही है, वो अग्रेसिव हो रही है, ही जस्ट वॉन्ट्स एवरीथिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. इवन द मदर इन लॉ जब वो बालकनी पे खड़ी हुई थी, that is her way of dealing with the grief. Although unhone exaggerated dikhaya hai thoda, but I think they are trying to you know drive home the point ki this is what happens. So I badi sensitivity ke sath I think deal kiya hai. I have one point which is ki again kya aisi families ko therapy ke liye jana chahiye. Hum har drama mein ye baat karte hain, but they are all suffering in their own way. So, वो भी that is a thing. Secondly, coming to now Faisal Qureshi and Mirab's relationship and character. जो इन्होंने ड्रामे का नाम दिया ना, लोग क्या कहेंगे, मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत सारी इवेंट्स इस तरह दिखा रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कि हमने ये नाम दिया है. लाइक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कि वो गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, उसके अंदर वो आदमी कौन था. भाई उनका रिश्तेदार था, वो बार बार कह चुके हैं, मदर इन लॉ साथ रह रही हैं. वो खड़ी हुई थी, फ्रूट सेलर से ले रही थी, तो वो अजीबोगरीब किस्म की थोड़ी सी ऑकवर्डली खड़े हुए थे साथ. सो जस्ट दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट दे हैव टू बी अ लिटिल मोर सटल विद. I don't agree with you here. I don't think that's the case. I think it's a story. Of course, एक कहानी है, उसमें एग्जैजरेटेड पार्ट्स भी होंगे. उसमें उस कहानी को आगे लेके जाने के लिए जो भी कहानी है, विच लुक्स लाइक ए मीरा बेन साथ का कुछ ना कुछ ताल्लुक क्रिएट होगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें हो रही है. नॉट जस्ट कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट. लेकिन आई थिंक अगर वो ये चीज़ें नहीं दिखाते तो हम उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगे जब मीरा और साथ ये एक्शन लेंगे, या मीरा जो भी एक्शन लेगी. सो आई फील दिस इज़ द रीज़न वो ये दिखा रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील उन्होंने बड़ा रियलिस्टिकली दिखाया. ऐसा ही होता है कि वो मर्द हजरात आए, जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पहले मर्द का पूछा, जब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर खुद ऑफ़र की. नाउ ये ऑफ़र जेन्युइन भी हो सकती है अभी इस स्टेज पे, ये ऑफ़र वो भी हो सकती है जो ये उनके दिमाग का हो कि अच्छा अकेली औरत है, इसके साथ हम कुछ मज़ा कर सकते हैं, यू नो, विच वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन. और व्हाट आई लाइक इज़ मीरब्स रिएक्शन.
आई लव मीरब्स कैरेक्टर कि वो ये नहीं है कि उसने उनकी मदद ले ली और वो बिखरी हुई है बेचारी और उसके ऊपर नहीं, उसने कहा नहीं मैं खुद डील कर लूँगी, मैं खुद सीख लूँगी कैसे करना है, आपका शुक्रिया, आप मुझे बता दें कि आप आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. सो एक और चीज़ जो आई फील, जब वो बच्चों के साथ बैठी होती है, राहिम जब उसको बोलता है वो राहिम पर गुस्सा हो जाती है, फिर उसकी बेटी उसके साथ वो करती है, तो ये जो ये बड़ी रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहे हैं वो, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ड्रामा. अच्छा, जो तुमने वाली बात बोली साइकोलॉजी वाली, साइकाइट्रिस्ट वाली या हेल्प वाली बात, आई फील दानिया को शायद ज़रूरत हो ऐसी बच्चियों को, या दानिया और मीरब को ज़रूरत हो हाउ टू डील विद ईच अदर. ये तो ऐसा ग्रीफ है, आई फील ओनली टाइम हील्स, या बच्चों की जो फाइनेंशियल सहूलतें जो उनको फील हो रही है, बाप की कमी इसलिए भी तो फील हो रही है ना कि फाइनेंसेस हट गए. मे बी अगर फाइनेंसेस होते तो शायद, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं फील होती, लेकिन एक एक्स्ट्रा पिंच लग रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट्स चेंज. लेकिन मीरब और बेटी को कैसे एक दूसरे के साथ डील करना है, दानिया लुक्स लाइक शी इज़ गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मीरब आगे जाके भी, वो कैसे हैंडल करना है, येस इसकी ज़रूर हेल्प होनी चाहिए, और शायद ये दिखाएं नहीं दिखाया तो आई डोंट नो, बट दैट्स डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड शाज़िया. I also had a question, again going back to the name लोग क्या कहेंगे, and it's very sad कि उन दोनों के बीच में दिमाग में अभी कोई ऐसी बात नहीं है. फैसल कुरैशी एंड मीरब do not have, I'm sorry मैं इसका कैरेक्टर नाम बोल रही हूँ, साद एंड मीरब के दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन लोग बाकी कुछ कहेंगे जो उनके दिमाग में ये बात आएगी. And secondly, Farah, I wanted to ask you and Rabia, you two, that connection, that, you know, that point, that moment between the husband and wife. Yeah. That was, I'm so glad they put that in. Yeah. Because they could have let it go, but they did. Yes, and once again, close discussion, how close, it was not toxic, it was really nice. आगे जाके मुझे लग रहा है ये भी, मुझे तो डर लग रहा था कि वो ये ना कहे कि मुझे दूसरी शादी करनी है, but it was too early. I was scared of the opposite. Can I talk? Okay. I was scared for the opposite. I thought कि maybe at that time she, the wife, would say कि हमने इसके साथ कुछ करना है, we have to support her, and if need be, I give you the permission to do this. And I think in the end कुछ ऐसा ही होगा, because वो यही वाली चीज़ें, ऐसा ऐसा चीज़ें build up हो रही हैं towards that के लोगों की बातों से, and whatever कि ये मर्द आ रहा है घर में जा रहे हैं and all that, वो है तो cousin but he's coming in going out, so maybe it will eventually get to that point that the other wife will say कि you know give the support to her, I give you permission. तुमने इतनी सही बात बोली, मैंने भी यही बात सोची थी और मुझे भी इसी बात का लगा था, बट माई क्वेश्चन इज किसी औरत का दिल इतना बड़ा हो सकता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है. बट एक और बात भी तो है ना फरा, उसको उस मीरब को और बच्चों को घर रखने के लिए साथ को उससे शादी करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये लाजमी तो नहीं है कि वो उससे शादी ही करे, वो एक और पोर्शन करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, यू नो दैट इज नहीं ले रही ना, शी इज नॉट टेकिंग दैट ना, अनटिल अनलेस के चलो आई फील marry him, then maybe she will take that, okay, but now it's, you know, everything is legal and all that, so wo maybe. So but jo bachon wali baat tum log kar rahe the ki yes, I think at this point the daughter, the children, meerab se zyada bachon ki therapy ka I think isme kuch angle aana chahiye ki wo you know baat kare and all that, so and it's good that they showed in the teacher and wo wala the whole scene and everything. The teacher was good also, very supportive. अच्छा मुझे बताइए जो नेबर आ गए हैं ना इनके, ये मुझे बड़े डॉजी लग रहे हैं. टॉक्सिक नेबर्स हर जगह आ जाते हैं और ये तो, बट आई लाइक द वे कि वो जो दूसरी, वो जो उसकी जो नेबर की जो मदर हैं, वो बात तो उसे करके गई, बट व्हेन शी वाज टेलिंग द चिल्ड्रन एंड शी वाज टेलिंग इट नॉट इन अ जब बेटे ने बोला कि वो फिर लड़का कौन है, तो कोई तो शौहर होगा, तो उसने कहा नहीं नहीं वो कोई रिश्तेदार होगा, और यू नो, और उल्टा होता है यूजली कि माएँ ऐसे बोलती हाँ वो कौन था, यू नो, एंड द बच्चा, बट इसमें तो ये बंदा ही बेसिकली टेढ़ा निकल रहा है, एंड ही वॉन्ट्स टू ऑफकोर्स टेक एडवांटेज ऑफ. लेकिन मुझे टीचर का रिएक्शन आई फील नहीं सही लगा. आई रियली फील कि वो ये बड़ा एक्टिंग भी, और ये कि वो आके बस उन्होंने डांट दिया आई एंड, और ये कि मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आई अप्रिशिएटेड कि इन्होंने ये दिखाया है. सिर्फ एक सजेशन है हम्बल सी कि इसको बेहतर कर सकते थे, मे बी थोड़ी रिसर्च कर लेते,
मे बी थोड़ी किसी एक्सपर्ट से बात कर लेते कि ऐसी सिचुएशंस में टीचर्स को कैसे डील करना चाहिए, कि अगर जो लोग भी देख रहे हैं उनमें से किसी को भी गाइडेंस मिल जाती कि टीचर आके बच्ची से प्यार से बात करती और फिर पूरी क्लास को डांटने के बजाय बताती कि बेटा सिचुएशन जिंदगी में हो सकती है, मीरा दानिया डजंट नो कि क्या हुआ और उसके फादर ने एक एक्शन ले लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दानिया पे नहीं है, इट इज़ ओके, इट्स नो बिग डील, कि क्योंकि उसने बच्चों को डांट दिया, बच्चों की वो शरारत और बच्चों की मिसचीवियसनेस तो वहीं रही है और इसी का रिजल्ट हुआ कि बाद में जाके दानिया की लड़ाई हुई अपनी क्लास फेलो से. तो आई फील कि टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो एक मिसिंग हो गया. एंड फरा यू वुड एग्री विद मी, अब majority of the schools में teachers do take into yes. account these things. माँ बाप जाके बात कर सकते हैं, teachers अब वो नहीं रही हैं, वो नहीं रही हैं, teachers themselves counsel and talk to the children and माँ बाप से भी counseling भी रहता है, and माँ बाप से भी. so ये बड़ा important. I feel then the principal should have counseled the teacher because like you guys are saying teachers हर किस्म की होती हैं, especially middle school में, because उनकी वो training नहीं होती. तो you are right, I think that the school itself should have taken that effort ki wo thodi si aur hogi shaadi wo to hum fir bahut usme ja rahe hain na wo to hum pure school ko thodi sikhayenge ye to ek scene hai isme bas ek scene tha usme teacher ko dikhate we don't need to go into principal and all that wo to bahut lambi but they could have shown that the principal is talking to the mother and calls the teacher and says ki is bachchi ke sath ye problem hai aap thoda sa soch ke ya to aap class se baat kar le ya something but principal ne to koi cheez but principal ne to koi cheez observe hi nahi ki na wo to teacher ne range तो पकड़ा था कि क्या हो रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बट प्रिंसिपल को पता है ना कि वो उनके हस्बैंड जो है ही इज कमिटेड सुसाइड. लेकिन अगर क्लास में कुछ नहीं हुआ, बात नहीं हो रही, तो डू यू थिंक कि टीचर को अननेसेसरली इस टॉपिक को छेड़ना चाहिए? अगर हर चीज नॉर्मल लग रही है, द टीचर जस्ट हैज टू बी अवेयर दैट दिस कैन हैपन एंड शी कैन कॉल द गर्ल्स सेपरेटली एंड टॉक टू एंड से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आओ. चलो ओके जी, मूविंग ऑन टू सबात. यस, बड़ी ही हैपनिंग एपिसोड थी सबात की. शारफर आप स्टार्ट करें. मैं स्टार्ट करती हूँ सबात से. टोटली ऑफकोर्स बहुत कुछ हुआ उसके अंदर, बट क्या कहते हैं, फर्स्ट सीन में राबिया और शाजिया के थोड़े से और डिफरेंट कमेंट्स हैं. मेरे थोड़े से है कि ओ गॉड, आई वाज सो एक्साइटेड कि वो कुछ तो वो बोलेगी, बट उसने नहीं बोला. उसके ऊपर हमारा एक और डिस्कशन चलेगी कि उसने क्यों नहीं बताया, व्हाई डिड शी हाइड द प्रेगनेंसी. एंड लाइक उसकी तो इनाया की एक्टिंग वाज ऑन पॉइंट एट दैट टाइम, बट थोड़ी सी मुझे अमीर की थोड़ी सी फेकी लगी उसकी. बड़े सवाल हैं आप लोगों से पूछने के लिए, आप लोगों से भी पूछने के लिए. मिलते जुलते होंगे तो मैं अपने अभी होल्ड करूंगी इस दफा में आपसे पूछने. Farah, I did like his acting. Maybe I missed that what you were saying. Lekin the one point I loved his acting was when he hugged his mother. जब वो घर आया और उसकी शक्ल पे जो एक वो like only you can understand उसके दिल में ये चल रहा था अपनी अम्मा से mental conversation कि आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है. And then when he looked back, he had changed his expression. Yeah. दिखाई उसकी शक्ल और फिर आगे से. नहीं, मुझे सिर्फ the first one minute of his acting was like बहुत made up. उसके बाद it just started. अच्छा, for me that whole scene from the minute he enters the door till Anaya sits in the cab and goes away was amazing for me. They both did such a brilliant performance. No chikamdari, no screaming, no touching each other, throwing each other anywhere, no tu tada. Itna controlled lekin itna powerful expression tha un dono ka ki whatever they were going through. I just loved it and I loved Ameer Gilani's aankhon ki jo uski laal ho rahi thi, uske chehre ka jo wo tha, aur phir uske baad usne jab usko kuch kiya bhi to wo bhi aisa nahi tha ki paglon wala hota. Even that you could see ki uske andar kitni kashmakash chal rahi hai Hasan ke andar ki wo he's going crazy and he's also trying to control himself. So I just loved it and wahi se meri I fell in love with the episode. And I loved Anaya sitting down and I love the fact that usne ek ek cheez was usne itni khoobsurat acting ki hai is puri episode mein. Maavrani ke I can't, jab wo baap se reaction, jab wo baap ko kiss karti hai, jab wo baap ke paas jaane ki koshish karti hoti, it was really great. So let's come to the questions.
and clapping also ki there was no thappad in there this was entire. No thappad very yeah. good credit yeah. goes to the script writer thappad and the director ho gaya na shazia ho gaya thappad isme so baad mein bhi thappad to aa hi gaya na haan lekin is scene mein to zarur bahut aasani se dal sakte the thappad nahi dala thappad dal sakte the jhinjhorna dal sakte the usko throw dal sakte thi bahut lekin nahi kiya unhone and I so us baad pe humne bade complaints kiye lekin I think ye episode very well directed I just loved it bring on the questions the question is ki kya anaya ko us waqt pregnancy ke bare mein bata dena chahiye tha ya nahi bata dena nahi bataya to sahi kiya fara kya main aapko dono point of view bhi bata do phir aap usme se choose kar le haan chalo point ke ki usne nahi bataya to acha kiya ki ab hasan ko maza aayega aur hasan ko jab baad mein pata chalega तो वो ज़िंदगी भर अपने आप को इस रिग्रेट में रहेगा तो एक तरह से और फिर उसको इस बात का भी हो सकता है कि इसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया ये शायद यकीन ना करे दूसरा पॉइंट ये लेकिन हसन का हक है कि उसको पता चले और उसी वक्त उसको बता के फिर चली जाती तो हसन के मुंह पे तमाचा भी पड़ जाता व्हाट डू यू थिंक नहीं तमाचा भी पड़ जाता और आई थिंक वो एक सेकेंड को उसको वो भी था कि इफ आई विल से बिकॉज वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुका है तो मे बी ही विल से कि ओके फाइन मे बी दिस चाइल्ड इज नॉट माइन यू नो सो वो उसको ऐसे धक्का दे देता तो उसको आई थिंक शुरू में शायद फर्स्ट इंस्टेंट में शायद उसका ये डर हो दैट्स व्हाट आई थिंक इज द रीजन बट ऑफ कोर्स आई रियली वांटेड हर टू से इट आउट बोलो बोलो बट आई वाज लाइक नो यू नो बिकॉज आई एम गोना कम बैक टू यू ऑन दिस वन हां शाजिया आपका जवाब क्या है ओके अनाया जो है उसके एक रीजन नहीं थी दैट शी डिडंट से नो देयर वर अ कपल ऑफ रीजंस नंबर वन आई थिंक वाज हर सेल्फ रिस्पेक्ट शी फेल्ट शी डजंट हैव टू जस्टिफाई एनीथिंग टू हिम नाउ एट दिस पॉइंट कि इस वजह से अगर वो उसको रोक ले नंबर टू ये बात हम सब सोच रहे हैं आई थिंक उसका शायद दिमाग वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा कि ही माइट क्वेश्चन के फादर कौन है बट ही वेरी वेल कुड हैव डन दैट Number three, yes, it is his right to know, but I think उसमें सिर्फ self-respect नहीं, उसमें गुस्सा भी बहुत था, बहुत सारी चीजें play कर रही थी उसके दिमाग में, maybe revenge भी था, but Anaya we have seen उसमें बड़ा ठहराव है उसके character, and हम जो सब कह रहे थे वो बहुत submissive है, maybe I was saying she's being a very nice wife, so that strength has come back right now. She doesn't feel कि उसको अपनी सफाई किसी को देने की जरूरत है. And ये बताना भी कि मेरा बच्चा हो रहा है might have been taken as a सफाई. Okay, so उसका ego और अना भी है उसके. नहीं, तो she could have just told him and walked out. She didn't. Nobody is saying you to change your decision. Yeah. ओके फरा जो तुमने ये बात बोली कि शायद तुमने कुछ बोला था मुझे याद नहीं आ रहा सॉरी बट जो तुम्हारी बात थी वो उससे मैं लेकर आऊँगी जो बाद में जब टेबल पे बैठी होती है अनाया अपनी माँ के साथ तो वो कहती है इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है और आपको पता भी नहीं चलेगा इधर से मुझे शक हुआ कि शायद वो बदला लेने या शायद वो इस उसमें कि मुझे नहीं बताना मतलब इट कुड बी रिवेंज और इट कुड बी दैट कि ऐसे इंसान को मैं अपने बच्चे का बाप बनाना ही नहीं चाहती मैं उस पर डालना ही नहीं चाहती जो इतना वीक हो डू यू थिंक समथिंग लाइक दैट वुड बी वर्किंग ऑन इन हर माइंड या इट प्रॉब्ली क्लियरली वाज बिकॉज उसने बोला था कि और उसको पता भी नहीं कभी चलेगा यू नो इसने ये भी बोला था कि ही विल इवन नेवर आफ्टर दिस उसको कभी पता भी नहीं चलेगा तो शी इज वेरी थिंकिंग इन हर माइंड कि मैंने इसको नहीं बताना है और मुझे बस था कि जब वो सास आई थी लैला ज़ुबैर व्हेन शी केम एंड आई वाज लाइक ओके यू नो कहीं से वो दो इफ द बोथ मदर्स कनेक्ट देन मे बी द मदर अब मुझे ये भी है इस पर भी क्वेश्चन है कि शुड द मदर मेक दैट हर अनायाज मदर मेक दैट एफर्ट एंड कॉल द अदर मदर एंड टेल हर कि फाइन दिस हैपन बट शी इज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो डू यू नो दैट समथिंग लाइक उसको नहीं पता ना अनाया की तुम क्या अनाया की मदर टू होता है ना बेटियों के लिए जब बेटियां घर आ जाती हैं जिस पे लड़ाई से जो भी उसकी डेप्थ भी नहीं वो बता रही है सो मेरे अगले दो सवाल यही थे कि क्या अनाया की माँ ने जब इस स्टेज पे जब अनाया रोती हुई घर आई है एंड शी इज गोइंग थ्रू सो मच उस वक्त उसको उसके बाप की सच्चाई बताई तो क्या उसको उस वक्त उसको बताना चाहिए था जब अनाया खुद इतने उससे गुजर रही है एक मेरा ये सवाल दूसरा सवाल ये कि वही तुम्हारी बात कि शुड अनायाज मॉम हैव कॉल्ड अमीर्स मॉम इवन बिफोर अमीर बिकॉज अमीर गिलानी तो हसन तो एक दिन बाद पहुंचा है ना अनाया जैसी आई थी तो अनाया की माँ को क्या हसन की माँ को फ़ोन करके बोलना चाहिए था या पूछना चाहिए था कि आपको पता है कि ये हो गया है
ओके इस पे मैं ये बोलूँगी कि देखो इनायाज ऑलवेज एंड द मदर ऑल्सो नो शी इज़ ऑलवेज बीन द स्ट्रॉन्ग वन शी इज़ ऑलवेज बीन द केयर टेकर एंड शी इज़ ऑलवेज हैड हर ओपिनियन सो और जब वो माँ से भी बात करती है और वो बोलती है तो वो आई थिंक मदर इज़ ऑलरेडी सो मच इन डिस्ट्रेस बिकॉज बाप इज़ गोइंग थ्रू द लास्ट स्टेजेस और वट एवर सो आई थिंक उनके दिमाग में अभी ये वो चीज़ नहीं आई है बट येस आई वुड से कि इवेंचुअली यही होता है ना कि अगर मियाँ बीवी में कुछ होता है तो एंड में बड़े सम यू गेट सम बड़ा इन्वॉल्व सो शी इज़ द बड़ा ओवर हियर एंड आई वुड से कि आई होप कि शी विल एटलीस्ट try and talk to not Amir maybe the mother तो शाज़िया तुमसे मेरा ये सवाल है ये जो फरा ने बात बोली मेरे दिमाग में भी थी बट देन जब मिराल को मैंने देखा है और उसके बाप को देखा और इतनी अक्कड़ इतना पैसा जो मेरे दिमाग में डर आया वो ये कि अगर अनाया की माँ उसको बता दे फिर किसी तरीके से वो अनाया से बच्चा लेने की कोशिश करें तो ये बात सोच के मैंने सोचा मे बी इट्स बेटर कि हसन को ना बताया जाए हसन खुद ही आई डोंट नो हाउ द स्टोरी अनरोल्स डू यू फील दैट दिस सो सो आई एग्री विद फरा दैट अनायास मदर इज जस्ट अ बायस्टैंडर शी इज अ स्पेक्टेटर नॉर्मली एंड अनाया इज वेरी स्ट्रांग ऑल्सो मैंने ये नोटिस किया कि जहाँ पसंद की शादियाँ होती हैं ना फॉर लाइफ इट इज़ ऑलवेज द पेरेंट्स ऑलवेज टेक अ बैक फुट और बच्चे ही डिसाइड करते हैं even later on parents will not approach each other unless the children approach ye this is my personal experience so I don't know maybe isliye unhone nahi bataya wo ruk rahi thi and your second question ke unko batana chahiye tha ki nahi I think she tried when she said wo Aptabad gaye hain but then she realized ki unki tabiyat ab itni kharab hai ki wo chupa hi nahi ja sakti foran hi fir bata diya unhone ki beta humne aap se ji se bhai पहले शी सेड ना वो एप्टाबाद गए फिर उसने कहा वो क्यों गए आज के दिन क्यों गए उनको फोन करें वापस आई लव दैट डायलॉग शी इज लाइक मुझे आज जरूरत थी उनकी वो क्यों गए आई जस्ट लव्ड इट आई वाज लाइक उस वक्त जो उसकी वो थी ना इतनी वो उसके अंदर वो कश्मकश और वो था सो या आई लव या बेटियां उसके रिलेशनशिप अपने बाप के साथ ऐसा था बेटियां इंतजार करती हैं कि वो अपने बाप से जाके ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करें या उनका हल एंड शी रियली नीडेड हिम एंड दैट नीड केम आउट इन दैट सेंटेंस फॉर अ यू आर राइट या अच्छा जी डॉक्टर हारिस और सब मिराल जो हैं उन पे मुझे बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आती कि व्हाई सबात में ये चीज़ें क्यों होती रहती हैं सेशन के दौरान आप कॉल कैसे ले सकते हैं आई एम सॉरी मे बी आई एम इलिटरेट मुझे शायद पता नहीं है आई रियली डोंट थिंक के नहीं सीरियसली यार क्यों लेते हैं और क्यों दिखा रहे हैं आप ये डर इतना भैया वो डर मिराल का नहीं इट इज़ नॉट हैपनिंग इट यू शुड नॉट बी शोइंग दिस मिराल का डर है या ये हो ही नहीं सकता इट्स प्रिंसिपली रॉन्ग सो प्लीज़ डू नॉट शो दिस आपको दिखाना था वो फाइल पकड़ता हुआ थेरेपी सेशन की तरफ जा रहा है व्हेन ही कुड हैव गॉटन दैट कॉल ठीक है एंड ही सेड जस्ट बिफोर एंटरिंग द डोर ही इज लाइक आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स दैट्स व्हाट दे कुड हैव शोन दे डिडंट हैव टू शो हिम टेकिंग द कॉल इन द सेशन आई फील सो डिसअपॉइंटेड एंड व्हेन द शी सिट द गर्ल इज सिटिंग राइट अगेन मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं अपने लेक्चर की और उसके वो भी सुन रही है वो भी सुन रही है चलो खैर वो तो इतना नहीं शायद उसने सोचा तो ये था बट अब मिराल क्या करेंगी मिराल क्या करेंगी मिराल तो पहुंच जाएंगी अभी अगले कल एक डायलॉग आया था जिसको मैं सुन रही थी और मैं उसी को याद करने की कोशिश कर रही थी जब वो हाँ डॉक्टर हारिस ने जो मिराल को बोला कि जुबानी रिश्ते खत्म करना बड़ा आसान होता है जब वो उसको आई फेल्ट ये लाइन दोबारा आके इन दोनों को हिट करेगी अगले कुछ एपिसोड्स में जब ये वो तो चली जाएंगी ना अपने एक्स फियांसे के पास वो मैंने तो प्रोमो नहीं देखा मैंने प्रोमो नहीं देखा सो आई डोंट रिमेंबर वो वापस आ जाते हैं अली था आई थिंक उनका नाम एयरपोर्ट का कोई सीन था ओके आई होप इसको कहीं ना कहीं आके रियलाइजेशन आए इसको भी एंड द टॉक्सिक फ्रेंड आल्सो बिकॉज़ basically they're the ones who sort of destroyed so, him yeah so ab ye dekho pe ek abba ki wajah se farid sahab ki wajah se do bacche kitne toxic nikal rahe hain unka jo dialogue tha leila zubairi ka ki main to samajhti thi sirf miral jo hai wo apne abba pe gayi aap tum bhi aur ye actually humse followers ne kaha to discuss by the way farar abhi maine youtube pe dala tha ek question raat ko to unhone kaha tha ki aap please ye dialogue discuss kare कि तुम तो बिल्कुल अपने बाप क्यों करते हो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट यस ही सेड कि आई थॉट शी सेड कि मैंने हमेशा सोचती थी कि मिराल
अपने बाप पे गई है, मुझे आज पता चला है कि तुम भी अपने बाप पे गए हो. तो इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा थप्पड़ मारा है ना माँ ने बाप बेटे के मुंह पे कि तुम जिस बंदे को डिटेस्ट करते हो, जिसने तुम जिस वजह से तुम घर छोड़ गए थे, एक्चुअली तुम भी उसी की रिफ्लेक्शन हो, तुम भी उतने ही वो कर रहे हो. बट खैर अभी तो हसन को ये हिट नहीं किया है. सो व्हाट डू वी वांट टू डिस्कस, व्हाट आई लव्ड वाज दैट शी वेंट स्ट्रेट एंड स्पोक टू टू अनाया. शी डिड नॉट बिलीव हर सन, शी डिड नॉट इवन आस्क हिम फॉर एनी प्रूफ. शी जस्ट सेड, शी जस्ट थॉट शी. And what I also love, Rabia, I think I cut you off for a second. I'll shut up in 1 minute. No. Is that jo hamari characters ki jo bhi reactions the were exactly what we wanted them to be. We wanted ke Anaya should not stay back. We wanted her to go back to her mother's house. We knew that Hasan will go. We wanted Leila Zubairi to act the way she react the way she did. So we wanted her parents to her mother to react the way she did. So I love the way the writer is in sync with the way we want things to happen. The viewers. And we like them. अच्छा मैं I wanted Leila Zubairi to act पहले and before ये हसन बोलता I would have liked, I wanted कि मैं Leila Zubairi हसन से बात करती, उसको समझाती एंड हसन ये नहीं बोलता आई वॉन्टेड दैट. एंड या फिर आई वॉन्टेड कि अनाया उसको जाने से पहले बता के जाती कि तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ लेकिन मैं जा रही हूँ एंड वुड नॉट हैव स्टॉप्ड. हसन को कुछ तो चाबी दे के जानी चाहिए थी जो आगे आएगा. कहा ना मैं मासूमियत का सर्टिफिकेट लेके अपने शक्ल पे नहीं घूमूंगी, उससे मुझे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी अना भी है उसके अंदर. कि एक ताल्लुक अगर खत्म कर दिया, बेसिकली शी इज हर्ट कि उसका ट्रस्ट उसने ब्रेक किया है. She said she had this dialogue कि जब ताल्लुक खत्म कर दिया तो फिर एतबार. So I also feel it's not that simple. I also feel it's not that simple. उसको काफी चीजें दिखाई गई थी हसन को थोड़ा बहुत. अगर अब देखो, अगर इसी को रिवर्स करो, अगर वो वाकई एक अफेयर चला रही होती और हसन को ये वीडियो दिखाते और हसन ब्लाइंडली उसको कहता नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये सब बनाया हुआ है, मैं तो फिर भी हम बोल रहे होते कि ये क्यों है. सो देर इज़ नो हैप्पी सिचुएशन. सो या सो वी विल जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इन द ड्रामा. प्रोमो देखा है? नहीं मैंने प्रोमो नहीं प्रोमो देखा. सो प्रोमो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी. शुड आई डिस्कस इट? या या द फादर इज टॉकिंग टू द मदर अनायास फादर एंड वो कह रहे हैं कि मैं जितनी भी बेवफाई करूं तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी. अनाया लुक्स अप एंड लुक्स एट हिम एंड लिसन्स टू दैट. अभी जो भी अकर अनाया में गुस्सा है शी विल थिंक. एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जबकि आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, मुझे तो हम सफर तुम सबको पता है कि मुझे एंडिंग कितनी, बट वो क्योंकि गुस्से में है शी इज लेटिंग हसन नो शी डजंट वांट एनी पार्ट ऑफ हिम राइट नाउ. बट माँ बाप जो कहते हैं आप कितने भी बड़े हो जाएं आपके ऊपर एक असर रहता है एंड दे मेक यू थिंक एंड दैट कैन बी गुड और बैड. सो माँ बाप हैव सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इतने गुस्से में थी फिर भी उसने उठ के अपनी आंख एंड शी लुक्ड एट हिम एंड उसकी शक्ल से नजर आ था वो सोच रही है कि क्या. बिकॉज़ माँ बाप हैव गॉन थ्रू लाइक इयर्स यू नो 30-40-50 इयर्स एंड वो experience also and all that. तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि हाँ यार been there done that, उन्होंने कुछ तो कई कुछ तो सोच के बोला ही होगा. एंड 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 ऑल्सो हर डैड बिकॉज शी लुक्स अप टू हर डैड ऑल द टाइम एंड तो उनकी बात सुनती है समझती है. तो मे बी कहीं जाके माँ की बात नहीं तो बाप की बात तो उसको register लाजमी करेगी. So let's hope so. We'll end up now with the note to say कि Sara Khan looked amazing in that green shirt, that green pants. And blue. Oh, yes. She looked so cool. It was so nice to see her. I love her. It's just refreshing. Looks and you know इतनी इतना अच्छा कैरी कर रही है वो. इस वक्त वो बाप को बैठ के बोलती है ना कि आप घर चले जाएं. And green वो हसन घर आने वाला है. She is so calm and composed and her I'm just looking at her कि वो as if कि वो मेरी काउंसलिंग कर रही है. वो ऐसे लग रहा होता है कभी कभार जब वो बात कर रही होती है, क्योंकि वो इतनी धीमे तरीके से बात करती है. एंड यस या So, बस आतिफ मियां का अब कुछ होना चाहिए. आई थिंक ही नीड्स टू हैव अ रियली बैड एंड एंड सबसे पहले आतिफ मियां की वार्डरोब चेंज करा दो खुदा के वास्ते. उसके तो जो अभी जो पहनावा था उसने वो पहन कैसे करके बैठा. बट ठीक है ना, बेचारे का कैरेक्टर ऐसा ही है ना. दिस इज हाउ ही इज. ही इज शोन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड यू नो वो उसकी सही कैरेक्टराइजेशन की हुई है. सही टेडी बाउ. हां वो ऐसी है वो बेचारा. ही इज ट्राइंग टू गेट देयर. लास्ट क्वेश्चन देन वी रैप अप. मिराल छोड़ेगी डॉक्टर हारिस को या नहीं छोड़ेगी, या उस पर दोबारा आजमाएगी, उसको पुश करने की कोशिश करेगी, या बस डिसीजन ले लेगी यू आई एम लीविंग यू. मिराल तो डिसीजन ही लेगी. डिसीजन लेगी. शाजिया आप?
छोड़ देगी, डिवोर्स नहीं होगी लेकिन छोड़ देगी, बिकॉज ही इज इन लव विद हर. वो क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए, इसीलिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं. इसीलिए तो डॉक्टर हारिस, मैंने आपसे कहा था कि आप छोड़ दें इससे पहले कि वो आपको छोड़े. आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब आप पछताएंगे. उस वक्त आपकी इज्जत रह जाती, मिराल आपके पीछे पीछे भाग के आती. नाउ यू विल स्टिल हैव टू रन आफ्टर हर. We'll wrap it up with this now. Yes. And comments में आपको बताएं कि आपका क्या ख्याल है, अनाया को क्या करना चाहिए था, क्या अनाया ने सही किया, क्या डॉक्टर हारिस को छोड़ देना चाहिए मिराल को इससे पहले कि वो छोड़े. Let us know in comments below.